पड़ोसी ही निकला नानी और पोतियों का हत्यारा। ठीक है, ऑनलाइन गेम से रुपए हार गया तो चोरी के मकसद से किया ट्रिपल मर्डर। क्या ऑनलाइन जुए पर लगेगा प्रतिबंध? जोधपुर में नानी और दो बच्चियों की हत्या के मामले में जोधपुर पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी दिनेश जाट को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन गेम रमी खेलने का आदि था। हत्यारे को ऑनलाइन रमी की बुरी लत लग गई थी, इसलिए गेम में अपने सारे पैसे लुटा देने के बाद उसने भौरी देवी के घर में चोरी की प्लानिंग रची और इसके बाद तीन मासूमों की हत्या कर। हालांकि ट्रिपल मर्डर की चश्मदीद महिला के सिर से फंसी कुल्हाड़ी को निकाल दिया गया है, इलाज जारी है। मामला बनाड़ इलाके के गांव नानड़ा का है। वो कैसी हां, घायल महिला वो पहले से काफी बेहतर है, उम्मीद नहीं अभी वो बोलने लायक नहीं, अभी बोलने लायक नहीं, थोड़े उम्मीद ऐसी बच जाएगी। चार दिनों के सामने कैसे कर पाता? अगर वो जिंदा रहते तो क्या वो तलाशी ले पाता संदूक की? कैसे कर पाता? नहीं मिला। अब मेरे को अंदेशा है कि ये सलमान पे कुछ मिलेगा, नहीं मिला तो उसमें ऑनलाइन रमी गेम में रुपए हार गया था हत्यारा। मर्डर के बाद फिर गेम खेलने लगा। डीसीपी पूर्व आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी दिनेश जाट बनाड़ थाने के नांदड़ी खुर्द गांव का ही रहने वाला है। टीम जब गांव पहुंची तो गांव के लोगों ने दिनेश जाट पर शक जताया। इसके बाद गुरुवार को उसे डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दिया गया। अभी तक की हुई पूछताछ में दिनेश ने बताया कि वह ऑनलाइन गेम रमी खेलने का आदि था। ऑनलाइन जुए में रुपए हार गया तो उसने बावरी देवी के घर में चोरी करने की प्लानिंग बनाई। जब वह वारदात करने पहुंचा तो बावरी देवी समेत उसकी बेटी और दोहितियां घर में ही थी। वह शराब के नशे में था, पहले बुजुर्ग महिला पर वार किया, फिर पानी में डुबोकर दोनों बच्चियों की हत्या कर दी। देखिए, जो कल ये दुखद घटनाक्रम हुआ इसमें एक लड़का है दिनेश सनो सुजाराम, इसको डिटेन किया है और इससे प्राथमिक पूछताछ में इसके द्वारा गेम करना स्वीकार किया गया है। अभी इसके और साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। बाकी जो इसका मोटिव रहा हत्या का, वो बेसिकली पैसे के लिए हुआ। वो अभियुक्त है, वो जुए में काफ़ी पैसे हार चुका है, उसलिए से पैसे चाहिए थे। अभियुक्त का मृतक परिवार के घर लगातार आना जाना था, बेरोकटोक आना जाना था, तो इसको ऐसा अंदेशा था कि इनके घर में कुछ जेवरात में। हालांकि जो FIR ली गई है उसमें कोई जेवरात या कैश का जिक्र नहीं है, फिर भी हम उस एंगल पे भी अभी वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मोटा मोटे तौर पे इस चीज का कल के खुलासा हो गया। और कितने आरोपी हो सकते हैं? अगर इसमें और संभव है तो ज्यादा से ज्यादा एक आरोपी और होगा, बाकी और कोई आरोपी इसमें अभी फिलहाल की हमारी तफ्तीश में सामने नहीं आया। आरोपी ने बताया कि हत्या के बाद वह घर जाकर दोबारा फिर से गेम खेलने लग गया था। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि आरोपी दिनेश जाट पहले भी ऑनलाइन गेम में 5 लाख रुपए हार चुका था, जिसके बाद उस पर काफी कर्जा लेने वाला है। उस घर में कितने समय से इसका आना जाना था? ये आरोपी है नांदड़ा खुर्द का ही रहने वाला है, दिनेश नाम है इसका और इसके फादर का नाम है सुजाराम। नहीं, इसमें कोई अभी इलीगल इलिसिट रिलेशंस के लेके अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है, ना ही कोई जमीन का विवाद सामने आया है। बेसिकली ये मर्डर फॉर गेम के हिसाब से, जैसे कहते हैं लाभ के लिए हत्या करना, वो मामला प्रतीत हो रहा है। क्या हुआ था?
घटनाक्रम पूरा तो ये हुआ था कि सबसे पहले तो जो बुजुर्ग महिला थी गौरी देवी, उनके ऊपर सर पे इसने मार किया, जिसके बाद उनको उनके खून बहता हुआ देख वो दोनों बच्चियां जो थी वो रोने लगी। उनको चुप कराने के लिए इसने उनको पानी के टाके में मार दिया। बच्चियों की मदर अंदर सो रही थी, उसके सोते हुए के सिर पे वार। उसके बाद इसने संदूक का ताला तोड़ करके तलाशी बलाशी ली, उसमें कुछ नहीं मिला। फिर ये मां से रवाना हुआ। जिस समय पुलिस पहुंची वहां पर एक बार ये आया जरूर था, क्योंकि मेरे को ऐसा ध्यान है अभी शक्ल देख करके मेरे को याद आ रहा है कि कल हम लोग बातचीत कर रहे थे परिजनों से और गांव वालों से, तो वहां पर मौजूद था। प्रूफ नहीं छोड़ना चाहता था, पास वाले कमरे में तो सो रही थी। बेसिकली कोई इसका काम धंधा इसके पास है, आवारा गर्दी करता है और शराब का भी आदि है और जुआ खेलने की इसको लगता है। दिनेश ने कुछ समय पूर्व इसके घर में चोरी भी की थी, नालेगा की नहीं, ऐसी ऐसा तथ्य नहीं है कि इन्हीं के घर में चोरी की हो। उसने 7 साल पहले इनके घर में चोरी हुई थी, जो ट्रेस आउट नहीं थी, 2017 की बात है वो, शादी समारोह में चोरी हुई थी, लेकिन उस समय भी इसका कोई रोल सामने आया नहीं। सर पुलिस का कहना है कि वो संतोष की वजह पीछे कमरे में जाती थी, आपने तो मौका देखा होगा कि किसी को दूर है वो, इसमें मुश्किल से 10-5 फुट का तो फासला है जिसमें गौरी देवी की हत्या की गई उसमें और जिस कमरे में संतोष पे वार किया। पुलिस किस तरफ मानी आरोपी को? अब ये तो हम लोगों का टेक्निकल जो टीम है और रात भर इसी में लगे रहे थे तो, और उसके बाद ये सारे इन लोगों के टेक्निकल असिस्टेंट से हमें जो प्राप्त हुआ इस मामले में, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन लोगों ने भी बहुत हमारे को सपोर्ट किया। हमारे जो स्पेशल टीम के लड़के हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इन लोगों ने एक एक चीज को हमें ला के रात में ही बताया कि सर यहाँ पे ये डेवलपमेंट हुआ है, ये डेवलपमेंट हुआ, उससे एक एक कड़ी जो होते गए। रिश्तेदारी तो नहीं है, डायरेक्ट रिश्तेदारी तो नहीं है, लेकिन अब वो एक ही गाँव के हैं, आना जाना लगा हुआ है और इसका इनके घर में लगातार आना जाना। उसको उसको ऐसा अंदेशा था कि इनके घर में मिल जाएगा मेरे, लेकिन मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। तो 2 लाख रुपए की बात भी इसके बाइक गई थी, जिसके जो दी गई है उसमें तो FIR में तो कोई जिक्र नहीं है 1.5 लाख का। उनसे लगातार हम चर्चा में हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पर मौजूद है, जो पीयूष कबिया जी हमारे ACP मंडोर CP हैं, वो सुबह से ही वहाँ मौजूद हैं, उनके साथ वार्ता हो रहे हैं और मेरी लगातार उनसे फोन पर बातचीत हो रही है। अभी पोस्टमार्टम के लिए उनको कह रहे हैं, देखिए अगर आज संभवतः आज ही हो जाना चाहिए। सर क्या दिनेश ने कुछ देर बताया है कि उसके साथ भी और था? अभी मैं इन चीजों को देखता हूँ। या तो पूरे देश में ऑनलाइन रमी, 3 पत्ता, जंगली रमी जैसे कई खेलों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसके लिए बड़े बड़े फिल्म स्टार, खिलाड़ी और कई रसूखदार लोग विज्ञापन में ऐसे खेलों का प्रचार करते आपको दिख जाएंगे। ऑनलाइन कंपनियां इस खेल को संभल कर खेलें, आदत लगने की संभावना बताकर महज अपनी खाना पूर्ति करते नजर आती हैं। लेकिन इन टाइम पास खेलों का समाज पर क्या दुष्परिणाम होगा, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। बहरहाल ऑनलाइन रमी जैसे खेल की बुरी लत के चलते ही आरोपी दिनेश जाट ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। ऑनलाइन रमी जैसे जुए का खेल चलाने वाली कंपनी ने अपना मुनाफा तो कमाया ही होगा, लेकिन इसकी लत 3 मासूम जिंदगियों को तबाह कर देगी। किसी ने नहीं सोचा देश में ऐसी और कितनी वारदातें हो रही होंगी।
कितने घर बर्बाद हो रहे होंगे इसका तनिक भी इल्म इन ऑनलाइन रमी चलाने वाली कंपनियों को नहीं होगा। फिलहाल जुए की बुरी लत के चलते 3 हत्याएं तो हो गई, फिर भी राजस्थान राज्य और भारत देश की सरकार ऐसे बेहुदा खेलों पर पाबंदी लगाने में असमर्थ है, जो अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।